हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के बिहार स्पेशल वाले सीरीज में आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ या टाइगर रिजर्व जो भी हैं बिहार में, वो सभी हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं बिहार में। इससे पहले ये वीडियो आ चुकी है और बिहार से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हम इस चैनल पे दे रहे हैं, तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जैसे बीपीएससी या सीडीपीओ, इनका एग्ज़ाम अभी हाल ही में होने वाला है, तो आप हमारे चैनल से उसकी तैयारी कर सकते हो। बिहार के करंट अफेयर्स हमेशा आ रहे हैं, उसके 3-4 वीडियोज़ हम एक एक सीरीज़ में लेकर आ रहे हैं, वो आप देख सकते हो। काफ़ी बेनिफिशियल होगा क्योंकि बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का, ये एक एक करके हम देखते चलते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, नेम ऑफ रिजर्व और ये कौन से एरिया में पड़ता है और वहाँ क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे पहला देख लेते हैं वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। ये एक्चुअली वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है और आप यहाँ देख रहे हो, और ये वेस्ट चंपारण में है। वेस्ट चंपारण के वाल्मीकि नगर में ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है और यहाँ पे टाइगर्स हैं, इंडियन राइनोसेरोस भी यहाँ पे है और ब्लैक बियर भी है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे पाई जाती है। इतना तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो वेस्ट चंपारण में है। आगे देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। तो पहला है भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ हम देख रहे हैं भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये कहाँ है तो ये मुंगेर में है, याद रखिएगा। और यहाँ पे ब्लैक बियर पाया जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ब्लैक बियर और लंगूर मंकी और ये सब जो भी प्रजातियाँ हैं इसकी, वो सब भी यहाँ पे पाई जाती हैं, लेकिन ये ब्लैक बियर के लिए फेमस है। या डियर्स भी हैं यहाँ पे, वो भी पाए जाते हैं। तो ये भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो मुंगेर में है। इसके अलावा अगर देखोगे तो गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाम से ही अगर क्लियर है, क्योंकि आप जानते हो कि गौतम बुद्ध गया जो है वो फेमस है इस चीज़ के लिए, बोध गया आप जानते हो। तो गया में है गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ से आपको याद रहेगा। और ये भी फेमस है किस चीज़ के लिए, तो ये ब्लैक बियर के लिए फेमस है, यहाँ पे पाया जाता है। अगला है पंथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे दिया हुआ भी है राजगीर, याद रखना। पंथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये नालंदा में है, नालंदा जिला में, और कहाँ पे है राजगीर पे, ये ध्यान रखिएगा। राजगीर में है पंथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरा है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये कैमूर और रोहतास ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कई बार ऑप्शन में दे देता है रोहतास और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, तो इसलिए याद रखिएगा कैमूर और रोहतास ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला है रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि नवादा में है। रजौली नाम याद रखिएगा, रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नवादा में है। नेक्स्ट है उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि वेस्ट चंपारण में है। अब देखिए वेस्ट चंपारण में क्या क्या चीज़ें होगी, तो एक उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये दो चीज़ें हैं वेस्ट चंपारण में। और ये स्वैम्पी फॉरेस्ट के लिए फेमस है, ये उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला है नागी डैम बर्ड सेंचुरी, और ये नागी कहाँ पे है तो ये है जमुई में। नागी डैम बर्ड सेंचुरी जमुई में है। और दूसरा है नकटी डैम बर्ड सेंचुरी, और ये भी जमुई में है। तो जमुई में ये दो चीज़ें हैं, इसलिए दोनों को रिलेट करके याद रखिएगा। आप इस तरह से भी याद कर सकते हो, नागी नकटी, ठीक है, नागी नकटी ये जमुई में है और दोनों ही क्योंकि बर्ड सेंचुरीज हैं, ठीक है, नागी और नकटी, और दोनों ही जमुई में हैं। और यहाँ पे वाटर बर्ड्स या माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बेसिकली माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए ही। यहाँ पे कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से, एक्चुअली कश्मीर से बर्ड्स जो हैं वो माइग्रेट करके आती हैं जमुई इलाके में, और इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो याद रखिएगा नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी जो कि जमुई में है, और ये माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आते हैं और इसीलिए ये फेमस भी है। उसके बाद है कावर झील बर्ड, ये कावर झील बर्ड सेंचुरी जो है वो बेगूसराय में है और ये भी माइग्रेटरी बर्ड के लिए ही फेमस है। नेक्स्ट है कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी। अगर आप देखोगे यहाँ पे कुशेश्वर स्थान, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस जगह भी है एक्चुअली, और ये दरभंगा में पाया जाता है। कुशेश्वर स्थान नाम इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी फेमस मंदिर है जिसको कुशेश्वर स्थान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और इस तरह से रिलेट करके अगर आप याद रखोगे तो याद भी रहेगा। कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी जो कि दरभंगा में है, ठीक है। अगला है सलीम अली जुब्बा साहनी और बरेला झील बर्ड सेंचुरी जो कि वैशाली में है। कौन कौन सा? सलीम अली जुब्बा साहनी और बरेला झील बर्ड सेंचुरी, ये सारे बर्ड सेंचुरी हैं। और अगर बिहार में बात करोगे तो यहाँ पे जितने भी बर्ड सेंचुरी हैं वो सभी फेमस हैं किस चीज़ के लिए, तो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा संख्या में मिलती हैं और वो हर किसी न किसी सीजन में आपको मिली जाएंगी। तो यहाँ सलीम अली साहनी और बरेला झील बर्ड सेंचुरी ये दोनों कहाँ पे हैं, तो वैशाली में है। अगला है बिक्रमशिला गंगेया और डॉल्फिन सेंचुरी, ये दोनों भागलपुर में है। बिक्रमशिला आपको पता है ये भागलपुर में है, तो ये याद रखिएगा। और डॉल्फिन सेंचुरी ये भी भागलपुर में है। और प्लस ये भी याद रखिएगा कि एक नया डॉल्फिन अभी हाल ही में बनाया जा रहा है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ठीक है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो कि पटना में बनाया जा रहा है। पटना के कुछ इलाके में डॉल्फिन मिलते हैं और इसीलिए वहाँ पे डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है। तो ये थे टोटल बिहार में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या बर्ड सेंचुरीज हैं, जो भी उनके बारे में ये टोटल हमने देखा है। आपको अगर किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो, इससे पहले हमने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बिहार के ऊपर लेकर आए हुए हैं, उसे आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे अगर साइंस देखोगे आप, बहुत सारे बच्चों का रहता है कि साइंस सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि बिहार का जो भी एग्ज़ाम है उसमें देखोगे तो 20 हमेशा ही साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके प्लेलिस्ट में अगर देखोगे आप तो 40 से ऊपर प्रैक्टिस सेट है। अगर ये प्रैक्टिस सेट आप कर लेते हो तो मुझे लगता है कि साइंस के क्वेश्चन ऑलमोस्ट बन जाएंगे किसी भी एग्ज़ाम के, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।